मॉर्निंग आई गो हाय हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के टाइम में तब नहा धो के पूरा फ्रेश हो गए, आप लोग देख सकते हैं। तो आप कमेंट में भी बोलते थे कि नहीं, देखिए हम सिंदूर लगाने, आई एम रियली सॉरी, तो हम आगे सिंदूर लगा लेते हैं, तो ब्लॉग पर बने रहिए। फ्रेंड देखिए, लगा लिए सिंदूर, तो हम मतलब काम सब तैयारी हो गया, बोले लगाएंगे। बाबू को चक्कर में ध्यान से उतर गया था मेरे को। तो देखिए मेरा सारा काम खत्म, नाश्ता में सोच रहे कि सिंघाड़ा मंगा दे, क्या कर सकते हैं, बाबू ने टाइम भी नहीं मिलता। तो बर्तन साफ कर दी थी सीमा, और देखिए सीमा भी अभी नहाने के लिए तैयार है, एडिटिंग कर रहे हैं, सबको अभी एडिटिंग कर रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, क्या कर रहे। ये देखिए मेरे पति देव आ गए हैं, ये देखिए मेरे पति देव आ गए हैं। नहाना नहीं है, कुकड़ू हो गए, कुकड़ू ठंडा लग रहा है, तो हम नहा धो के फ्रेश हो गए। गुल्लू क्या करता है, चलिए गुल्लू सांप को मिलाते हैं। टुन्नी को भी आज साफ कर दिया है, देखिए सबको हम लोग मतलब काम फिनिश हो गया, बस थोड़ा सा कपड़ा धोना है। गुल्लू गुड मॉर्निंग बोल दो। गुल्लू आप इसका तो गुड मॉर्निंग सुबह मुश्किल से ही होता है, मुस्की मार दो बेटा। बोलो गलत बात, निकाल बेटा, ऐसे नहीं करते। बोलो गुड मॉर्निंग आई गो हाय यार, बेटा यही तो है मेरा आदमी। मेरा देखिए मेरा गुल्लू क्या कर रहा, क्या कर रहा गुल्लू। अभी तेल मालिश करेंगे गुल्लू को, तेल मालिश करेंगे। हम तो नहा लिया, गुल्लू नहीं नहाए ना, तो गुल्लू का बदमाशी और हम कैसे रहेगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग ब्लॉग पे बने रहिए, सोच रहे कि आपको लव स्टोरी बताए, देखते हैं अगर टाइम मिलता है। फ्रेंड हम जा रहे हैं सिंघाड़ा लाने के लिए, और इनको बोले जाने के लिए तो नहीं, काम है दोस्तों, प्लीज काम है। तो देखते हैं, पूछते हैं सिंघाड़ा खाएंगे कि इडली, नहीं तो इडली ला देंगे सोच रहे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, चलिए बाबू को छोड़ के जाएंगे, और चलिए देखते हैं उधर से आएंगे तो कपड़ा वपड़ा धोएंगे, कपड़ा धोना बाकी है। सोच रहे हैं कि चलिए चलते हैं, देखिए फैन गर्मी लग रही है ना, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बाबू वो तो गुल्लू को पापा एडिट कर रहे हैं कि आपको भी वीडियो आना जरूरी है, नहीं आया तो फिर आप बोलेंगे कि सबको ही एडिट कर रहे हैं, तो फिर बोलेंगे ब्लॉक लेट में आया जी का इसलिए। तो चलिए हम चलते हैं सिंघाड़ा लाने के लिए, मन थोड़ा मन में सिंघाड़ा बनाए कि नहीं बनाए सोच, कोई बात नहीं, इतना परेशान होते जो मतलब हम को क्यों तेल का चीज ज्यादा खाएंगे, नहीं सिंघाड़ा हम नहीं, मेरे भात है तो फ्राई करेंगे, फ्राई का भात खाएंगे इनको, और गुल्लू का पापा खाएंगे सिंघाड़ा। चलिए प्रॉब्लम बने रही, फिर चलते हैं सिंघाड़ा लाने के लिए। हमको मन नहीं कर रहा, हम दुकान जाने में मस्कत लग रहा है, तो सोच रहे कि हम ऊपी बनाए, ऊपी 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 नहीं मतलब मैगी ऊपी बोलते हैं उसको, ऊपी वही बनाएंगे और वही नाश्ता में। तो जा रहे हैं उसको भेज में थोड़ा तेल उल में दे के अच्छा से बनाएंगे, क्या मजा आता खाने में, एकदम सूप की तरह करके खाने में। तो हम नहीं जाएंगे तो सॉरी, आप बोलेंगे नदी बोलती है सिंघाड़ा लाने जा रहे हैं, फिर जाती ही नहीं सिंघाड़ा लाने, बतौला बोल देती है, तो उसके लिए मेरे को सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए ऊपी बनाएंगे घर पर ही लाते हैं, कम से कम हाँ 8 लाते हैं, 8-6 ऊपी उसमें हो जाएगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड, तो चलते हैं हम लाने के लिए ऊपी। तो आप घर पे रहिए, हम भी घर, हम जा रहे दुकान, ए बस बगल में जा रहे हैं, उतना दूर कौन जाएगा केक को, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए फ्रेंड दुकान पे। तो हम आ गए, देख सकते हैं सब चीज़ बिक रहा है, और हे दुकान पे हे, और देखिए आ रहे हैं मेरे को जो सामान देंगे, आ रहे हैं कि नहीं देख सकते, अभी बहुत टाइम हो रहा है, मतलब अभी अंदर में है। तो अंकल जी आ रहे हैं, तो हम यहाँ से दुकान से ले जाते उधारी, बहुत अच्छे अंकल जी हैं, तो हमेशा ले जाते। अंकल मैगी दीजिए ना 6 ऊपी 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 ऊपी, हाँ ऊपी ले रहे हैं 6 जो हमेशा मतलब हम उधार ले जाते हैं, और एक बार होता है तो हम दे जाते भी हैं, तो हमेशा ले जाते हैं इसे ज़्यादा, मेरे को जब कुछ ज़्यादा काम पड़ता है तो। चलिए लेते लिए हैं टमाटर 10 पाव में, 40 है यहाँ भी है और बाज़ार में भी है वही रेट है, और आंटी जी भी है अभी मतलब यहीं से हमेशा करते हैं। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, चलते हैं मैं बनाने के लिए। हाँ 30 हुआ, 30 हो गया,
तो चलिए हम लोग चलते हैं, सब्जी भी है बहुत सारा, आपको आना हो तो आ जाइए। जेमको में है सब्जी मार्केट, सब्जी लग आंटी का दुकान में, आंटी आपके लिए इतना आया है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं घर, तो बाय फ्रेंड। हम दुकान से आ गए फाइनली, देख सकते हैं मैगी अभी रखे हैं किचन में, अभी हम बनाने जा रहे हैं। बाबू बहुत रो रहा है, सभी से यार जाते तो एक घाटा कर लेती है, तो दुकान में सिंगाड़ा नहीं है बना, तो बोलो देखिए उसको अभी हम दूध आगे पिला देंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे ना बेटा, बोल आगे मम्मी दूध बनाई। भूख लग गया, भूख लग गया ना बेटा, भूख नहीं लगा तो बात चाहिए। हाँ मम्मी चाहिए, मम्मी आ गई, तो गुल्लू अभी परेशान है, इसको अभी दूध पिला देंगे, तो उसके बाद हम ब्लॉक पर मिलते हैं, वो भी बनाएंगे, वो कर रहे हैं ना बेटा, भूख लग गया मेरे। चलिए आप गए ही नहीं लाने, तो तू कहाँ गई थी? अरे हम गए थे मंदिर दुकान में घंटा, वो दीदी मतलब बोल रही थी, देखो ना ज्वेलरी मंगाई ना, वो पूरा टूटा हुआ निकल गया, मतलब पूरा ये हो गया, तो मतलब एक ऑर्डर फिर कुछ नहीं बोला, फिर हम वही लेट हो गया था। तो चलिए हम बाबू को दूध पिला दे, तो उसके बाद हम बनाएंगे उपी, हाँ बेटा, उसके बाद कपड़ा धोएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए फ्रेंड हम सब्जी काटने के लिए थे, तो चलिए सब्जी काट लिए हैं हम भी, देख सकते हैं मतलब इसमें यही और भेज में देंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप लोग को, तो कैसे बनाते, ज़्यादा आसान तो है, चलिए बना पाएंगे तो बनाएंगे। चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, अब गुल्लू यहाँ पे खेल रहा मच्छर डालने में, सामने में धूप में रखे हुए हैं, हम लोग भी धूप में बैठे हैं, बहुत बोरिंग लग रहा है, तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। चलिए फ्रेंड अब रेडी करते, सब हम तैयारी कर लिए, टमाटर वमाटर सब, तो हम चलते हैं बनाने के लिए। देख सकते हैं गैस चूल्हा हो गया चालू, तब हम बनाने चाहिए। चलिए फ्रेंड तो मेरा तेल गर्म हो गया है, कढ़ाई पर बैठा है, तब इसमें हम तेल देते हैं, ज़्यादा तेल नहीं देना है, हम थोड़ा से तेल देना है, तो आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में कितना थोड़ा तेल है, वही तेल देना है मेरे को, और उसके बाद ये गर्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद क्या देना है, अब मैंने तो सरसों दीजिए, हम ये सब कुछ नहीं देंगे, बस तेल गर्म होने के बाद कटे हुए मिर्चा, देख सकते हैं छन छुना, तो मिर्चा भूरा टाइप में हो गया, प्याज छोड़ देते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड कितना ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ये कटे हुए ये सब ना देंगे, देख सकते हैं इसमें आएंगे, ये भी मतलब साथ में कर जाएगा, मतलब ये भी अभी भून जाएगा, साथ में नमक वमक देंगे, अच्छा से भून जाते रहेगा, इसलिए देखते रहिए इसको, अच्छा से देख के भूंजना है, नमक वमक दे के गल जाएगा, हम गलने के लिए जितना आपका मतलब टेस्ट चाहिए उतना नमक दे दीजिए, बाद में भी पानी आप में डाल दिया कर सकते हैं, तो हम भी डाल दिए हैं, तो कम धीमी आंच पे देख सकते हैं सीझ रहे हैं, तो चलिए उसको गलने देते हैं, तो ब्लॉक पे बने रहिए, देख सकते हैं ब्राउन हो गया है पूरा, अब इसमें टमाटर डाल देंगे, एक भी लगभग भुंजा जाएगा, उसके बाद हम कुछ करेंगे, तो चलिए इसको भुंजाने देते हैं, देख सकते हैं कितना जल्द से क्या कमी हो गया है, अभी डालेंगे पानी में, तो ब्लॉक पे बने रहिए आप लोग, देख सकते हैं किस तरह से पूरा हो गया है, पूरा मतलब गल चुका है, अब इसमें पानी हम डालेंगे, हाँ पानी नहीं, आगे वाला मसाला डाल देते हैं, ये जो मैगी मसाला है इसका पूरा सब पैकेट को दे देते हैं आगे, छह पैकेट है ना इसमें, छह पूरा छह ठो देना है, फिर मसाला जलना नहीं है, इसको फिर पानी दे देना है, फिर मैगी के हिसाब से आप कितना पानी दे सकते हैं, देख सकते, तो हम तो पानी देख, तो हम पानी देंगे इसका हिसाब से कि जितना मैगी रहे उतना, ये वो होगा दोनों मतलब सेम हो जाएगा, तो चलिए होने देते हैं, पानी को खोलने देते हैं, खोलने के इस मैगी को भी इसमें अभी छोड़ देंगे, हाँ छोड़ देंगे क्यों, बात उतनी हो जाएगा, फिर ये सीझेगा अभी तो टाइम लगेगा, तो देखिए पूरा भर गया है, ये अभी होगा,
छेट हो देख सकते हैं। अच्छा मैगी तैयार हो जाएगा, 5 मिनट के काम बस ये खोलेगा, उसके बाद मैगी तैयार है। नमक आपके हिसाब से कितना है आप कर सकते हैं, तो नमक तो हम पहले दे दिए थे, तो चलिए हमको लग रहा है कि उतना सारा दिए हैं तो कम हो जाएगा, तो हम सोच रहे कि थोड़ा और इतना नमक और दे दें, बस ज़्यादा नहीं कि ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा ना, तो जहरा जहरा टाइप में लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए रेडी है मेरा, बस इसको खोलने को भर दे रही है, तो ब्लॉग पे बने रहिए, देखते होता है कितना देरी में। सकते हैं मैगी कैसे पूरा तैयार हो चुका है फ्रेंड, पूरा बन गया है, तो हम गैस बंद करते हैं बस थोड़ा सा झोर, और आप लोग भी ऐसे बना के खाइए, देखते हैं कैसा लगता है खाने, तो ब्लॉग पे बने रहिए। बाबू रो रहा है, नीचे खाइए आप लोग, लाइन कट गया है, खाने तो खा के बताए मस्त लग रहा था मस्त बना फ्रेंड, तो चले ब्लॉग को आगे देखिए, मार्केट भी चल रहा है मेरे को, तो ब्लॉग पे बने रहिए, चलिए हम भी अब खाते हैं, तो ब्लॉग पे बने रहिए, देखिए जाना है मेरे को राशन लाना है, तो चलिए देखते हैं, तो ब्लॉग पे बने रहिए।